हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये सीमेंस का टेम्परेचर ट्रांसमीटर है और आज मैं आपको इसी वीडियो में ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर को हार्ट कम्युनिकेटर से कैसे कैलिब्रेशन और टेस्टिंग और ये जो हार्ट कम्युनिकेटर से ये जो हमारा जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर का जो कि कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि सेंसर कॉन्फ़िगरेशन और इसका LRB URB और जीरो ट्रिम कैसे हार्ट कम्युनिकेटर से ये कर सकते हो, आज मैं आपको इसी वीडियो में पूरा कैलिब्रेशन करके यानी कि टेस्टिंग करके और इसका साथ साथ मैं आपको फुल कॉन्फ़िगरेशन करके मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और फ्रेंड्स, मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना। चलिए फ्रेंड्स, और ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए और ये टेम्परेचर ट्रांसमीटर में किस तरह जो हमारा RTD थर्मोकपल जो इसमें लगाते हैं यानी कि कनेक्शन करते हैं मैं आपको बताऊंगा, और उसके साथ साथ ये जो हार्ट कम्युनिकेटर हमारा होता है और ये जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर को यानी कि किसी भी ट्रांसमीटर को यानी कि ऑपरेट करने के लिए इसमें 24 वोल्ट की ज़रूरत है, और ये हार्ट कम्युनिकेटर से कैसे 24 वोल्ट यानी कि सप्लाई देके और ये यानी कि हमारा जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर का आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो हमारा हार्ट कम्युनिकेटर है, हार्ट कम्युनिकेटर में ये साइड जो है हार्ट है और ये हार्ट प्लस पावर और ये जो मिली एम्पीयर यानी ये जो हार्ट यानी कि पोर्ट है, ये हमारा जब 24 वोल्ट ये जो ट्रांसमीटर को अगर ऑलरेडी होगा तो आप इसमें कनेक्ट करोगे, और ये जो हार्ट प्लस जो पावर है, अगर आपका ट्रांसमीटर में 24 वोल्ट की पावर सप्लाई नहीं है, आप ये पोर्ट से लगा के यानी कि ये जो इसमें जो प्रोब होता है प्रोब इसमें लगा के आप टेम्परेचर ट्रांसमीटर को पावर सप्लाई दे सकते हो। और किस तरह देते हैं चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो हमारा जो ट्रेक्स है, ट्रेक्स को ऑन कर देता हूँ ऑन करने के बाद, और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें जो सेंसर जो लगाने के लिए जो इसमें जो सिंबल दी गई है यानी कि इसमें जो पॉइंट दी गई है, चलिए ये पॉइंट में मैं आपको सबसे पहले ये जो सेंसर लगा के दिखा देता हूँ। दिखाने से पहले देखिए, ये जो हमारा जो 5 और 6 नंबर जो है, ये हमारा जो थर्मोकपल लगाने के लिए है, और RTD के लिए 3, 4 और 6 नंबर है। मैं आपको इसके जो ड्राइंग मैं आपको पूरा स्क्रीन पर दे दूँगा, इसकी जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैं आपको पूरा स्क्रीन पर दे दूँगा, आप देख सकते हैं। और चलिए अभी जो RTD को सबसे पहले ये जो ट्रांसमीटर में मैं लगा देता हूँ। लगाने के बाद ये जो हार्ट के थ्रू में इसे पावर सप्लाई देके और कैलिब्रेशन कैसे और टेस्टिंग कैसे करते मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ऑलरेडी इसमें लगा दिया हूँ। देखिए, ये जो हमारा ट्रांसमीटर में मैंने ये जो RTD कनेक्शन कर दिया हूँ, और अभी ये जो RTD को मैं पावर सप्लाई दूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा 6 नंबर जो है रेड है, और ये जो 2 पॉइंट जो है RTD का, ये जो हमारा जो कॉमन पॉइंट है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो आप इंडिकेटर जो देख रहे हो यानी कि LED जो देख रहे हो, जैसे ये हार्ट के थ्रू में इसे पावर सप्लाई दूंगा, आपको ये जो इंडिकेटर ग्लो होता हुआ नज़र आ जाएगा। और चलिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स, और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगा, इसमें जो 2 पॉइंट है, देखिए ये जो पॉइंट है ये नेगेटिव है और ये जो है पॉजिटिव है, और पॉजिटिव और नेगेटिव आपको 2 पॉइंट देख के इसमें पावर सप्लाई देनी होती है, नहीं तो आपका जो ट्रांसमीटर ऑन नहीं होगा। और चलिए, सबसे पहले मैं जो ट्रांसमीटर को हार्ट के थ्रू में इसे पावर सप्लाई दे देता हूँ, और जैसे ही आप इसमें पावर सप्लाई दोगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान देके आपको लगाना होता है, जैसे कि मैंने बताया। चलिए, अब ये हार्ट के कम्युनिकेटर में ये जो प्रोब जो है यानी कि ये जो हार्ट कम्युनिकेटर की जो प्रोब है, मैं अभी इसमें लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, ये जो पोर्ट में आपको पावर प्लस हार्ट प्लस पावर में पावर की पोर्ट में आपको लगानी होती है। चलिए, मैं अभी इस पोर्ट में लगा देता हूँ। लगाने के बाद मैं आपको इसके जो सारे कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, इसमें लगा देता हूँ। फ्रेंड्स, और भी इसके बारे में यानी कि जो ट्रांसमीटर के बारे में ऑलरेडी मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रखा हूँ, और उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, और आप वो वीडियो की लिंक के ऊपर क्लिक करके उस वीडियो देखिए, आपको बहुत सारा जानकारी मिल जाएगी। और अभी देखिए, ये जो क्रोकोडाइल की क्लिप जो है, ये मैं ये जो ट्रांसमीटर में जो कि 2 तार लगी है, इसमें मैं लगा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं लगा देता हूँ। इसी तरह ये जो चिमटी जो है, चिमटी को लगा देनी है, और लगाने के बाद अभी मैं आपको पूरा इसके जो सारे कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इसमें किस तरह पावर सप्लाई देते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, अभी मैंने ये जो चिमटी को इसमें लगा दिया हूँ, और देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसमें जो टेम्परेचर के सेंसर यानी कि जो RTD ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, और अभी मैं आपको ये जो हार्ट कम्युनिकेटर से मैं जो टेम्परेचर ट्रांसमीटर को अभी मैं पावर सप्लाई देता हूँ। चलिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और पावर सप्लाई देने के लिए इसमें जो फील्ड कम्युनिकेटर की जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना होता है। चलिए, अभी ये जो फील्ड कम्युनिकेटर जो है, और जैसे इसे पावर सप्लाई दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये जो LED जो है ये ब्लिंकिंग करना यानी कि ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, अभी सबसे पहले इसमें क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद इसमें जो ऑप्शन आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, और अभी इसमें नो वोल्टेज डिटेक्ट दिखा रहा है। आपको ये जो हार्ट जो ऑप्शन है, हार्ट के ऊपर क्लिक करना होता है,
और ये हार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें जो डू यू इंटेंड टू प्रोवाइड पावर फ्रॉम ट्रैक्स यूनिट, हमें इसे येस करना है। और जैसे इसे पावर सप्लाई दूंगा आपको ये जो इसमें जो एलईडी है इसमें ग्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर में सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो पावर सप्लाई आ गई है, यानी कि जो एलईडी हमारा ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें दो कलर की ग्लो करते हैं, यानी कि एक जो रेड और एक जो ग्रीन। रेड जो होती है ये हमारा एरर के लिए, जब इसमें एरर होगा तभी इसमें ग्लो करेगा। और जो ग्रीन मतलब ये हमारा जो शेप है, यानी कि ये जो हमारा ट्रांसमीटर की रीडिंग ये हमारा बिल्कुल सही दिखा रही है। और चलिए अभी इसमें जो डिवाइस सेटअप है, डिवाइस सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। और ऊपर में जो आप देख रहे हो पीबी, यानी कि इसका जो प्रेजेंट वैल्यू या फिर प्रोसेस वैल्यू, प्रोसेस वैल्यू इसमें देखिए फ्रेंड्स 23 समथिंग इसमें टेम्परेचर अभी शो कर रहा है। और अभी मैं ये जो डिवाइस सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसमें आपको बहुत सारा सेटिंग देखने को मिल जाएगी। और अभी जो प्रोसेस वेरिएबल, और प्रोसेस वेरिएबल पे ये जो टेम्परेचर, यानी कि हमारा जो आरटीडी जो भी फीडबैक इसमें देता है, इसमें सारा कुछ इसमें सब आपको शो कर देगा। फ्रेंड्स ये जो आप इमर्सन के ट्रैक्स देख रहे हो, ये ट्रैक्स किस तरह यूज करते हैं और इसके फंक्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग वो लिंक के ऊपर क्लिक करके देखिए, आपको इसके बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। और अभी देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें जो डिटेल सेटअप जो है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और देखिए इसमें जो सेंसर की ऑप्शन है, सेंसर में क्लिक करता हूँ। और सेंसर पे क्लिक करने में आपको ये जो सेंसर की जानकारी इसमें मिल जाएगी। चलिए अभी इसमें दिखा देता हूँ। और अभी इस जो प्रोसेस सेंसर, अभी इसमें क्लिक करता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें जो सेंसर सेटअप और सेंसर इन्फो के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसमें जो ऑलरेडी जो कि इन्फॉर्मेशन इसमें दी है, यानी कि सेट हुई है, अभी इसमें दिखा रहा है। और अभी देखिए अभी इसमें जो है कनेक्शन टाइप जो है 2 AR की है, यानी कि ये जो हमारा आरटीडी जो है ये 3 AR है। और इसकी जो सेंसर क्लास जो है आरटीडी, अभी ये जो LSL USL इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। अभी चलिए अभी मैं इसे बैक कर देता हूँ, बैक करके मैं आपको सेंसर सेटिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सेंसर सेटअप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अभी इसमें देखिए ये जो सेंसर क्लास जो है आरटीडी, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। अगर आपके पास थर्मोकपल है तो थर्मोकपल भी चेंज कर सकते हो। और अभी देखिए फ्रेंड्स अभी जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी जो ये जो है, यानी कि ये जो 5 और 6 नंबर पे आप इसे यानी कि थर्मोकपल लगा के इसका जो सेटिंग भी आप थर्मोकपल भी कर सकते हो। और ये जो सेंसर टाइप जो है, सेंसर टाइप भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। अभी देखिए इसमें जो ये जो है थर्मोकपल, यानी कि TC जो लिखा है ये थर्मोकपल है। अगर आप ये जो ट्रांसमीटर में थर्मोकपल कनेक्शन किए तो आप इसे थर्मोकपल भी कर सकते हो। और ये जो सेंसर क्लास जो है, ये हमारा जो RTD PT 100, और इसमें अलग अलग क्लास का होता है। और जैसे इसमें आप जो है थर्मोकपल सेट करोगे तो उसका जो क्लास भी इसमें आ जाएगा। और ये जो है यूनिटी है हमारा जो टेम्परेचर सेट करने की, फारेनहाइट और सेल्सियस। और अभी देखिए फ्रेंड्स ये जो कनेक्शन टाइप जो है स्टैंडर्ड है, और ये सेंसर कनेक्शन जो है ये 2 AR। अभी मैं इसे 3 AR कर देता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें 2 AR है, और अभी इसमें 3 AR कर देता हूँ। और ये आप ओके करने के, यानी कि ओके प्रेस करने के बाद अभी इसमें आपको और एक चीज़ जो करना पड़ता है, ये जो सेंड का ऑप्शन, यानी कि ये जो सेंड का ऑप्शन अगर प्रेस नहीं करोगे, यानी कि नहीं दबाओगे, तो यानी कि आप इसमें जितने सारे सेटिंग करते हो उसमें जो आपका ट्रांसमीटर में फिट नहीं होगा। अभी इसे सेंड कर देता हूँ। अभी आपको ये जो सेंड करना बहुत ज़रूरी है, इस तरह आपको सेंड कर देना है, यानी कि इसका जो वैल्यू ये जो ट्रांसमीटर में जाके आपका जो फिट हो जाएगा। और अभी चलिए देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें जो 3 AR आ गया है, अभी मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करके और भी बहुत सारा ऑप्शन के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। और अभी इसमें बैक कर देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें जो आ गया है, यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट में जो था, अभी और भी बैक कर देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें आ गया, अभी इसमें जो बेसिक सेटअप है। और अभी इसे डायरेक्ट सर्विस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड्स इसमें जो ट्रिम का ऑप्शन है, यानी कि ये जो ट्रिम, यानी कि ये जो हमारा जो सेंसर की ट्रिम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो ट्रिम कैसे करते हैं, उस वीडियो की लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोग ये ट्रिम वीडियो जाकर देखिए इसका जो प्रोसीडर कैसे होता है, यानी कि ट्रिमिंग का जो प्रोसीडर कैसे होता है। और ये जो प्रोसीडर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो ट्रिमिंग जो होता है, ट्रिमिंग आपका 2 टाइप का होता है, एक जो लोअर ट्रिमिंग और अपर ट्रिमिंग। और ये ट्रिमिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसमीटर के लिए। अगर आप ट्रिमिंग नहीं करते हो तो आपका जो ट्रांसमीटर में जो भी वैल्यू दिखाएगा ये बिल्कुल एरर ही दिखाएगा, यानी कि बहुत ख़राब रिजल्ट आपको देगा। और चलिए अभी मैं इसे बैक कर देता हूँ। बैक करके मैं आपको इसका जो बेसिक सेटअप के ऊपर सेट करके दिखाऊंगा, यानी कि इसमें जो LRB और URB कैसे सेट करते हैं। चलिए अभी मैं इसे बैक कर देता हूँ। और भी बैक करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए
अभी ये जो बेसिक सेटअप है, बेसिक सेटअप के ऊपर क्लिक करता हूँ। अभी इसमें जो देखिए ये जो टैग है, यानी कि आप जो टैग, यानी कि हमारे जो ट्रांसमीटर की जो पहचान करने के लिए, यानी कि हमारे जो बहुत सारा ट्रांसमीटर होता है उसे नंबरिंग करने के लिए ये जो टैग नंबर डालते हैं। और ये जो डैम्पिंग है फ्रेंड्स, इसमें अभी देखिए इसमें 0.2 है, यानी कि जो डैम्पिंग है हमारा किस तरह काम करता है। और इसका ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, आप लोगों को वीडियो जाके देखिए आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। और अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो जीरो और स्पान के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अभी इसका जो मेन रिजल्ट इसमें शो करता है, यानी कि ये जो इसका जो है मेन सेटिंग है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, ऊपर में जो है LRB और URB, LSL, USL और आपका जो ट्रांसमीटर और LSL और USL जो होता है इसका जो लोअर सेट लिमिट और अपर सेट लिमिट, यानी कि ये जो हमारे का ट्रांसमीटर में जो सेंसर होता है, सेंसर की जो लिमिट है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो LRB अभी इसमें जीरो है। और अभी इसे बैक कर देता हूँ और इसका जो URB देखिए फ्रेंड्स, URB जो है इसमें जो 200 है, और 200 को अभी मैं इसे 100 कर देता हूँ। फ्रेंड्स, इसमें जो भी आप LRB सेट करोगे, LRB सेट करने के बाद आपका जो, जैसे कि मैंने दिखाया था जीरो टीम, वो जीरो टीम करना पड़ता है। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपका जो ट्रांसमीटर में जो भी रिजल्ट दिखाएगा वो एरर दिखाएगा। और इस तरह, और ये जो ट्रांसमीटर की सेटिंग करते हैं और कैलिब्रेशन इस तरह करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, ये जो आप इमर्शन की ट्रेस देख रहे हो ये हार्ट कम्युनिकेटर की अपग्रेडेड वर्सन है। अगर आप लेना चाहते हो तो नीचे दी हुई ईमेल एड्रेस से मुझे कॉन्टैक्ट करें। और ये जो हार्ट कम्युनिकेटर है ये सेकेंड हैंड है, लेकिन बट ये न्यू कंडीशन है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।